नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल द बिहारी गाइस पे। दोस्तों बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं सुनंदा आर मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी जो कि खुला है न्यू जगनपुरा में। और आज हम लोग यहां आए हैं और हम लोगों को पता चला कि काफ़ी बेहतरीन स्तर पर इस मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी को खोला गया है। तो चलते हैं अंदर और जानते हैं यहाँ की खासियत क्या है, ख़ास बात क्या है और यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो सब हम लोग जानेंगे यहाँ के ऑनर से और स्टाफ से। चलिए चलते हैं। आपको दिखाए हैं और अभी देखिए हम लोग आपको पूरा जो है इंटीरियर यहां का दिखाएंगे। दोस्तों अभी हम लोग हैं सुनंदा आर मेकओवर में और हमारे साथ बैठी हैं सुनंदा प्रिया जी। तो सुनंदा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद और आप सभी दर्शकों को हमारे तरफ से प्रणाम। तो सुनंदा जी हम लोग जानना चाहेंगे कि सुनंदा आर मेकओवर मेकअप स्टूडियो आपने खोला है यहाँ पे जगनपुरा पटना में, तो आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली? कोलकाता से आपने ट्रेनिंग ली। तो आपको कितने साल का अभी तक एक्सपीरियंस हो चुका है? 8 साल का एक्सपीरियंस है। चलिए बहुत बड़ी बात है, ये 8 साल का एक्सपीरियंस होना मायने रखता है। तो जगनपुरा पटना जगनपुरा में ही आपने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि यहाँ पे देखे थे ना कि एक भी इस एरिया में मेकअप स्टूडियो जो एकेडमी है वो नहीं है, तो हम चाहे कि इस एरिया में एक शुरुआत किया जाए। बहुत अच्छी शुरुआत हम लोग इसको कहेंगे। अच्छा एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जितना अच्छा जितना खूबसूरत आपने इंटीरियर बनाया है इसका, हम लोग जब अंदर आए तो हम लोगों को भी काफ़ी खूबसूरत लगा। तो हम लोग के माइंड में एक सवाल आया कि बहुत सारे लोग मतलब एकदम खूबसूरत सा इंटीरियर देख के थोड़ा सा मतलब हिचकिचा जाते हैं कि यार मतलब अब यहाँ जाएंगे हेयर कट कराने या कोई भी सर्विस लेने तो चार्ज बहुत ज़्यादा लगेगा, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि चार्ज यहाँ पर ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर सभी लोग करवा सकते हैं। अगर जो जिन्होंने मतलब हाई प्रोफेशनल मतलब चाहिए सर्विस उनके लिए भी है और जो मतलब जिनके पास बजट नहीं है वो उनके लिए भी सर्विस है, मतलब दोनों के लिए है। तो जैसे मार्केट में ऐसी मतलब अफवाह आती हैं कि बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है यहाँ पे, उसके लिए क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है, आपके बजट के अनुसार पे यहाँ पे प्रोफेशनल तरीक़े से यहाँ पे आपको सर्विस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट से अपेक्षा ऐसा नहीं है, कम भी हो सकता है। अच्छा यहाँ के कुछ सर्विसेज के बारे में बताइए। तो यहाँ पे आपको सारा चीट सर्विस आपको प्रोवाइड किया, यहाँ तक कि आपको एकेडमी भी दिया गया है, जो बच्चे लोग जो भी स्टूडेंट लोग सीखेंगे वहाँ पे यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। कि ग्रूम के लिए भी कोई फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ ग्रूम के लिए है, जब यहाँ पर मेकअप स्टूडियो एंड है स्पेशली ना मेकअप स्टूडियो ब्राइडल के लिए यहाँ पर खुला हुआ, तो बॉयज़ के लिए भी ग्रूम्स के लिए है। हाँ सिर्फ ब्राइडल के लिए है। शादी वगैरह में अगर रेडी होना चाहते हैं तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सुनंदा आर मेकओवर जो कि न्यू जगनपुरा में है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे जैसे कोई सर्विस लेनी हो तो अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा या फिर ऑन कॉल भी करके आ सकते हैं? नहीं आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं, ऑन कॉल से भी आ सकते हैं। अच्छा जैसे हम लोगों ने आपके कैटलॉग में देखा कि किड्स के लिए भी कुछ फैसिलिटी है, तो वो क्या है? किड्स के लिए भी फैसिलिटी तो दिया ही गया है यहाँ पे। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बच्चे लोग बहुत अपने मम्मी पापा जो मतलब जो भी माँ के साथ आती हैं तो वो बहुत परेशान करते हैं, तो उनके लिए भी फैसिलिटी दिया गया है। जैसे क्या है उनके लिए? हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, क्या है देखेंगे। आप लोगों ने देखा होगा जैसे वीडियो हम लोगों ने शुरू किया था तो एक गाड़ी लगी हुई थी बड़ी खूबसूरत सी लाल कलर की गाड़ी, उसको हम लोग दिखाएंगे अभी वीडियो में। अच्छा जैसे कि अभी आपका जो मेकअप स्टूडियो है नया है, तो हमारे दर्शकों के लिए और जो भी लोग आएंगे उनके लिए डिस्काउंट भी चल रहा है या नहीं अभी? हाँ डिस्काउंट है, अब तो न्यू ही तो ओपनिंग हुआ यहाँ पे, तो डिस्काउंट तो बिल्कुल है। यहाँ पे आपको फ्री में कुछ भी सर्विस करवाएगा तो फ्री में आपका थ्रेडिंग जाएगा, जो लेडीज़ के लिए ना सबसे मायने रखता है थ्रेडिंग जी। हाँ तो थ्रेडिंग आपको फ्री में दिया जाएगा। अभी कितने लोग हैं आप लोग यहाँ? अभी तो न्यू ओपनिंग है तो फिलहाल एक खुशी जी हैं और एक हम हैं और एक और आने वाली हैं। अच्छा आपका
मेकअप स्टूडियो पटना में है, तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन बताइए और यहाँ पे किस तरह से आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ पे ना टेढ़ा मेरा रास्ता है नहीं, आप आसानी से 90 फीट से जो जगनपुरा आती है पुराने बस स्टैंड की तरफ, जगनपुरा से आप डायरेक्ट ऑटो या फिर जो भी एकदम सीधा रास्ता है आपको अटल बिहार कॉलोनी जो बिशप स्कूल गर्ल्स के पास पड़ता है। तो लोकेशन आप लोगों को करेक्ट हो गया है, अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है तो स्क्रीन पर लोकेशन आ रहा होगा, लोकेशन कॉन्टैक्ट डिटेल और आपको डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर दोनों में मिल जाएगा। अच्छा, आपने एक मशीन मंगाई है स्किन केयर फेशियल ट्रीटमेंट, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो हाइड्रा फेशियल है। अच्छा, वो हाइड्रा फेशियल, फेशियल से मतलब दुगना जो होता है ना वो हाइड्रा फेशियल काम करती है। आप मतलब कि क्या बोलते हैं, डेमो जब लीजिएगा ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उसमें क्या इफेक्ट है, वो आप खुद बताइएगा, ये हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक ऐसा वीडियो हम लोगों ने शूट किया है आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा और उनका एक्सपीरियंस भी हम लोगों ने उनसे पूछा है, उनके ऊपर किया गया। कैसा लगा अभी आपको? बहुत अच्छा। क्या बदलाव फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ही रिलैक्स फील हुआ। सुनंदा जी, आपने सुनंदा आर मेकओवर मेकअप स्टूडियो स्टार्ट किया है तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। इसके बारे में स्टूडेंट लोग को जो भी सीखना है, खासकर जो ये आप देख रहे हैं मेकओवर, तो ये ब्राइडल के लिए है मेकअप स्टूडियो, जो आपको ब्राइडल हर तरीके से सिखाया जाएगा, HD, NNHD, 3HD जो भी है, बंगाली और मराठा जो भी, इंडियन सारे टाइप का आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा ब्राइडल में खासकर, इसलिए यहाँ पे ये मेकओवर लिखा हुआ है। आप तो ट्रेनिंग भी देंगे? बिल्कुल। अच्छा, वो बैच कब से शुरू हो रहा है? अभी तो न्यू है ना, तो 2-4 हुए हैं और देखिए क्या होता है, लेकिन नेक्स्ट मंथ से सोच रहे कि उसका टाइम डेट सब दे दें। और जिन लोगों को, आपको लोग को मतलब सीखना है, आप यहाँ पे आइए और एक बार देख लीजिए अपना सर्विस। डी का जो लगा हुआ है, इसकी क्या खासियत? यही तो खासियत है ना, जो जिस तरह से हम ब्राइडल सिखाएंगे उसमें वो लोग को ये फील ना हो, बोरिंग वाला फील ना हो, इंजॉय करते हुए अपना सीखे और हासिल करे जो भी मंजिल में पहुँचे। और ये इसलिए है क्योंकि हर मंथ में ना फेयरवेल का जब पार्टी मनाया जाता है ना, वो हमारे तरफ से दिया जाएगा। हाँ, स्पीकर वगैरह भी आपने लगाए हुए हैं? हाँ, स्पीकर भी लगाए हुए हैं ताकि किटी पार्टी हर मंथ में लेडीज मनाएगी। अच्छा, किटी पार्टीज के लिए क्या कोई मतलब कोई अगर पार्टी करना चाहे तो चार्ज वगैरह उसके लिए? कोई चार्ज नहीं, सब हमारे तरफ से दिया हुआ है फैसिलिटी है, कोई चार्ज नहीं। हमारी बात हुई सुनंदा आर मेकओवर की जो ऑनर हैं सुनंदा प्रिया जी से, उनसे बात हुई और यहाँ के सर्विसेज के बारे में हम लोगों ने जाना। अभी आप लोग देखिए यहाँ का इंटीरियर कितना खूबसूरत बनाया गया है, जेन्युइन कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं और कस्टमर्स को उससे कोई हार्म ना हो, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। स्टाफ जो है वो भी एक्सपीरियंस्ड हैं, 8 साल का एक्सपीरियंस इनको भी है, वो ट्रेनिंग सेंटर भी खोली हैं और साथ ही साथ जो भी यहाँ अभी आएंगे, अभी तो नया नया खुला है तो उन लोगों को भी स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अभी आइए, हम लोग किस गाड़ी की बात कर रहे थे और बच्चों के लिए जो गाड़ी की बात हुई थी वो ज़रा हम लोग देखते हैं। तो बच्चा बोर ना हो इसकी काफ़ी, इसका काफ़ी ध्यान रखा गया है। बच्चे अगर शरारत करते हैं बाल कटवाने टाइम तो इस पर बैठा के वो गाड़ी चलाने का भी आनंद लेंगे और हेयर कट भी हो जाएगा, टाइम भी निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंडियन बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, इनको ऑथराइजेशन दिया गया है 2028 तक है इसमें और यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं सुनंदा आर मेकअप स्टूडियो अकेडमी के लिए है, सुनंदा आर मेकअप स्टूडियो के लिए है, तो दोनों चीज़ों के लिए इनको ऑथराइजेशन मिला हुआ है। जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे उनको भी गवर्नमेंट से ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा सुनंदा आर मेकओवर के बारे में, जैसे मैं शुरू करूँगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले, उसमें मैंने पूछा था लड़कियों से कि लड़कियां मेकअप क्यों करती हैं, तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि मेकअप लोग करते हैं अच्छा दिखने के लिए और उसके लिए लोग खर्च भी करते हैं। तो सुनंदा आर मेकओवर एक ऐसा प्लेस हो सकता है जहां पे आप जो पैसा लगा रहे हैं, अपने ऊपर खर्च जो कर रहे हैं,
अच्छा दिखने के लिए, वो आपको लगे कि वसूल हो जाए, आपको सर्विस अच्छी मिलेगी। क्योंकि हम लोगों ने हमने यहाँ पे बात की, यहाँ के ऑनर से बात की, यहाँ के स्टाफ से बात की, यहाँ के प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, यहाँ के सर्विसेज के बारे में जाना। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा इंटीरियर भी है। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ का इंटीरियर जो है वो काफ़ी कितना खूबसूरत है। तो ज़रूर यहाँ आइए एक बार और सर्विस यहाँ का लीजिए और आनंद लीजिए। और अपना जो एक्सपीरियंस होगा इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पेज पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमें भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। हमारे चैनल पे जो नए आए हैं अभी वो लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब किए हुए वो लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।